दो लड़के वो भी आ गए हैं, वेद और अंकित। यहाँ पे बैठा रहता था मदन। हाँ, यहाँ पे बैठा रहता था मदन, किसी की इंतजार करता था। हल्दी का कार्यक्रम हो चुका है पूरा और हमने देखिए गेटअप चेंज कर लिया है तुरंत हल्दी होने के बाद। अब थोड़ी सी यादें ताज़ा करने के लिए जा रहे हैं थोड़ा सा आगे परतू भाई की दुकान की तरफ। और ये देखिए कार हो रही है तैयार, हमारे सुधीर भाई हमेशा की तरह वही साइन ऑन ग्रो चमकदार बिल्कुल। और हमारे हैंडसम पटवाल, ये देखिए ब्लैक बहुत जस्ता है इन पर। आज यहाँ कश्याली में हैं दो शादियाँ, एक पंकज की और एक उधर पिस्टकोला में एक लड़की की शादी भी है, तो भीड़ थोड़ा दोनों जगह बढ़ गई है। ये दोनों पता नहीं क्या देख रहे हैं, कहाँ भाई कहाँ जाने प्लान है? अचानक की दुकान में बिरुगाल के मार्केट में पहुँचे हैं। और ये देखिए पीछे बिरुगाल की भी बहुत यादें हैं। ये बिरुगाल का SBI बैंक, तो कुछ इस प्रकार से है। दो लड़के वो भी आ गए हैं, वेद और अंकित। खाना पीना हो गया है मस्त और अब जा रहे हैं वहाँ जहाँ हम रहते थे पॉलिटेक्निक में। और मेरे साथ है सागर और मदन, तो हम तीनों रहते थे उधर बिस्टखोला में। तो अभी जहाँ शादी हो रही है वो है नेकीखोला, तो अभी जा रहे हैं हम बिस्टखोला और वहाँ मिलते हैं ताई जी से। पहुँच चुके हैं हम बिस्टखोला और यहाँ रहता था मदन इस वाले घर में और हमारी बहुत ही अच्छी जी ताई जी, बहुत ख्याल रखा ताई जी ने हमारा जब हम पॉलिटेक्निक करते थे। और ये मकान है, तो यहाँ ऊपर मदन लोग रहते थे, यहाँ नीचे हनुमान रहता था। और ताई जी का बहुत प्यार प्रेम था पहले से ही और अभी भी है, और ताई जी अभी भी हमें पहली नज़र में पहचान लेती है, बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छा लगता है थल नदी आके। और अब चलते हैं जहाँ मैं रहता था उधर उस साइड में, तो वहाँ भी ताई जी हैं, तो ताई जी से मिल के आते हैं वहाँ भी। बाकी ठीक है ताई जी चलते हैं, इधर से ठीक से तब है ठीक। तो ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए दो मंजिले के लिए। और ताई जी की यहाँ पे बैठा रहता था, ताई जी की स्वीट सी गाय कहाँ पे? यहाँ पे बैठा रहता था मदन। यहाँ पे बैठा रहता था मदन, किसी की इंतजार करता था भाई, किसका इंतजार करता था? सीक्रेट है, किसी की इंतजार करता था यहाँ पे बैठ के। और जब जिसका इंतजार होता था वो जब आ जाते थे तो बहुत खुशी होती थी मदन को। तो ठीक है ताई जी, हाँ शाम को आएंगे एक चक्कर और ठीक। तो यहाँ से चलते हैं, अब थोड़ा सा आगे मेरा कमरा है तो उधर चलते हैं, वहाँ भी ताई जी से मिलते हैं और उम्मीद करते हैं कि ताई जी घर पे ही हो। हम लोग रहते थे यहाँ और पीछे साइड रहते हैं ताई जी लोग, तो आ जाओ आ जाओ। तो ये हमारे कमरे हैं, तो यहाँ भी आज शादी हो रही है और उधर पंकज की शादी हो रही है, तो एक ही गांव में दो शादी हैं। ये हमारे भैजी, नमस्कार। तो ये हैं हमारे कमरे, तो इस कमरे में हम रहते थे, बाकी इधर जूनियर्स रहते थे इधर। ये हमारा किचन था, तो कमरे की हालत कुछ ऐसी है। तो ये है हमारा कमरा जहाँ हम रेंट पे रहते थे, और ये दो बेड ये हमारे ज़माने से हैं और अभी तक हैं। तो जब हम रहते थे यहाँ दीवारों पे बहुत सारी फ़ोटो लगा के रखते थे, और अभी बिल्कुल कमरा खाली खाली है। और ये हमारी फेमस खिड़की, तो ये है कुछ। और यहाँ से आगे पूरा ये खेती खेत है। नहीं, हमारे मैडी ब्रो इंतज़ार कर रहे हैं कि यार कब आएगा और कब चलेंगे यहाँ से। तो बेसिकली अभी हम हैं बिस्टखोला में, और ये देखिए यहाँ पे इस वाले घर में शादी है। और ये है मंदिर, तो ये उस टाइम पे मंदिर बन रहा था जब हम थे यहाँ, उस समय कंप्लीट नहीं हुआ था ये। उसी मंदिर के यहाँ पे बगल में धारा भी है जहाँ से हम पानी लाया करते थे। तो ये पूरा बिस्टखोला है वो ताई जी के घर से और यहाँ तक, और टेंट यहाँ पे भी लगाया। तो जहाँ मदन रहता था वो वाला घर ये है, तो मैं यहीं पे खड़े हो गए, मदन को इशारे करता था कि आ जाओ चाय बनी है, चाय पीने आ जाओ, नाश्ता करने आ जाओ। और मदन फिर कभी मदन हमें इशारे करता था यहाँ से, तो यहाँ से सामने सामने घर दिखता था तो बहुत अच्छा लगता था। कभी हम हाथ हिलाते थे, कभी उधर से ये लोग हाथ हिलाते थे, उस पर भी बहुत लोग किराए पे रहते थे।
और हम भी यहाँ पे 6-7 लोग किराए पे थे उस टाइम पे, और काफ़ी अच्छा समय हमने बिताया यहाँ पे पॉलिटेक्निक में। तो बिस्ट गोला से विदा लेते हैं, और अगर शाम को एक चक्कर और आने का हुआ इधर तो एक चक्कर और आएंगे। फ़िलहाल के लिए चलते हैं बिस्ट गोला से, और यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा है। और काश कुछ और दोस्त आए होते पॉलिटेक्निक के तो और ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि ये जगह ही इतनी यादगार वाली है। वो देखिए पीछे, उधर ही हम रहते थे, वहाँ से आगे आ गए हैं। ये सामने जो गेट है इधर, तो इस गेट के इधर सब बिस्ट खोला है, और उस गेट के सामने जो रास्ता है तो रास्ते के उधर है नेगी खोला। तो हम सब काफ़ी लोग इधर बिस्ट खोला साइड रहते थे, और जो सागर है वो भी वहाँ नीचे गया है ताई जी लोग से मिलने के लिए। तो सागर भी यहीं पर रहता था, मदन यहाँ पर रहता था, इसके पीछे मैं रहता था, और मेरे रूम पार्टनर गिरिजेश पांडे, हम दोनों वहाँ रहते थे, और यहाँ भी काफ़ी लोग रहते थे। और एक यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता जाता है, सीधा यहाँ से निकलता था, पटवाल के रूम पे निकलता था जहाँ पटवाल रहता था। तो पटवाल का रूम भी वो सामने दिख रहा है यहाँ से। तो जैसे हम वहाँ पे अपने रूम की छत पे जाते थे तो वहाँ से पटवाल की छत भी दिखती थी, तो वहाँ से भी इशारे होते थे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है।